लाइट कैमरा आशु, यानी मैं आपके सामने शरारती आशु। कन्हैया फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से दीपक सेठ और कन्हैया कैसेट ने मिलकर आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, मुझे यानी जूनियर, मतलब जूनियर टिल्लू राजा तो हमारे साथ में है, आशु मुश्ताक को आशु मुश्ताक नाइट में आपके लिए पेश किया है। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे कई एपिसोड में बहुत खूबसूरत अंदाज में सुना और देखा। आइए एक और फेवरेट आइटम से आपकी मुलाकात कराता हूँ। कॉमेडी कैसे बनती है, कहाँ कॉमेडी हो जाती है और कैसे हंसी निकल आती है? हमारे टिल्लू राजा लेटे हुए थे, गाने गा रहे थे, बड़े अजीब अजीब गाने। मैंने कहा भाई टिल्लू राजा, ये लेटे लेटे तुम चित लेट के गाने गा रहे हो और एकदम से उल्टे होके गाने लगे, क्या बात है? अरे चलने आंसू आई, तुम नहीं समझोगे। अभी पलट रही थी, मतलब ए साइड बज रही थी, अब पलट गई बी साइड बज रही। तो बड़ी अजीब अजीब बातें हो जाती है, ए साइड बी साइड। टिल्लू राजा से मैंने पूछा, मैंने कहा टिल्लू भाई ये बताओ कि रेलवे की नौकरी आपकी लगने वाली थी, उसका क्या हुआ? अबे केले हमारे साथ सही बता रहे, भगवान कसम बहुत करी चोट हो गई भाई साहब। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? वैसे हमारे जो बुंदेलखंड में है और काफ़ी बुंदेलखंड के आसपास के नियर अबाउट 100 किलोमीटर जो शहर हैं, जो टाउन एरिया हैं, वहाँ पे एक चीज़ बड़ी फेमस होती जा रही है और हमारे मुआशरे में बढ़ती चली जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का रेलवे में होगा तब शादी होगी लड़की की, नहीं तो नहीं होगी। 40-40 साल की लड़की हो गई है बेचारी, रेलवे वाला लड़का चाहिए, चाहे शराबी हो चाहे जैसा हो, लेकिन रेलवे वाला चाहिए। इस तरीके को ख़त्म करना चाहिए हमें अपने मुआशरे से, लेकिन माँ बाप पेरेंट्स वो यही कहते हैं कि हमें लड़का रेलवे में चाहिए। तो मैंने कहा यार मुझे अगर अपनी शादी करना है तो रेलवे की नौकरी बहुत पक्की होना चाहिए। मैं इंटरव्यू के लिए भटक रहा था, DRM ऑफिस के बाहर लिखा हुआ था रेलवे की नौकरी मात्र 4 सवालों के बदले दी जाती है। मैं अंदर गया, पहला सवाल पूछा गया कि ले ये बताइए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मैंने कहा सर मोदी जी। कहने बिल्कुल ठीक। कहने लगे ये बताइए हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ? मैंने कहा सर 1945 में कोशिश की गई थी, 1947 में हो गया था, 2 साल की कड़ी मेहनत लगी थी, हिंदू मुसलमान भाइयों ने खून पसीना बहा दिया था। कहने बिल्कुल ठीक। कहने ये बताइए कि हिंदुस्तान चंद्रमा पे जीवन है या नहीं? मैंने कहा सर वैज्ञानिकों की यही राय है कि चंद्रमा पे जीवन है। कहने लगे आपकी नौकरी पक्की, आखिरी सवाल बता दीजिए, ये बताइए हिंदुस्तान की तरक्की में हम और आप कहाँ तक चलेंगे? मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तरक्की में हम और आप साथ चलेंगे। मैंने कहा मेरी नौकरी पक्की हो गई, चारों सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दिया। बाहर निकला, बाहर मिल गए कौन? बिल्कुल सही पकड़े हैं, टिल्लू राजा। मुझसे पूछा क्या? मैंने कहा क्या बात है टिल्लू राजा, क्या बात है? इंटरव्यू के लिए? हाँ यार अपन भी यार रेलवे में नौकरी मिलेगी तब जाके शादी होगी, जल्दी बता आशु भैया क्या क्या पूछा? हमने कहा जाहिर सी बात है इंटरव्यू में हर आदमी से सवाल बदल दिए जाते हैं। कह रहे नहीं तुमसे जो पूछा तुम तो उसके जवाब बता दो, फिर नौकरी तो उनके बाप को देना पड़ेगी। दीपक भैया का हाथ है अपने ऊपर, समझा करो। हाँ सेठ जी का बस एक फोन पहुंचेगा, नौकरी मिल जाएगी सब, मतलब वो तो करना पड़ेगी ना खाना पूरी, जल्दी बताओ। तो मैं सवाल जवाब दोनों बताने लगा। कह रहे नहीं तुम तो सिर्फ जवाब जवाब बताओ, नौकरी उनके बाप को देना पड़ेगी। तो मैंने जवाब जवाब बता दिया, मैंने कहा मोदी जी 1945 में कोशिश की गई, 47 में हो गए, वैज्ञानिकों की यही राय है हम और आप साथ चलेंगे। मैं धीरे से गया था अंदर दरवाजा खोल के, ये एकदम सट से अंदर पहुंच गए। जो इंटरव्यू ले रहा था उसने देखा, अजीब सी तो टिल्लू राजा की हालत होती है, देखा कहला हाँ कैसे आए, क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, अच्छा ये बताओ पैदा कब हुए तुम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब पैदा हुए? कहले साहब 1945 में कोशिश की गई थी, 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 47 में हो गए। हाँ सही है डारे, हिंदू मुसलमान भाइयों ने खून पसीना बहा दिया, हाँ खूब मेहनत करी, लगे लगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहले वैज्ञानिकों की तो यही राय है। अरे तुम्हें तो कहाँ आगरा ले जाना पड़ेगा। कहने लगे हम और आप साथ में ही चलेंगे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं।